हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो गिवन क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 का अंडर रूट। मुझे यहाँ पे क्या करना है, 10x जो कि डिनोमिनेटर में दिया है उसको t पुट करना है। ठीक है, अब दोनों साइड को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, यहाँ से मैं dx निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा आपका dx, और पुट किया था 10x को t। अब समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान हो गया है। sec स्क्वायर एक्स हमें मिल गया है, अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ उसको, तो क्या हो जाएगा, ये आपका sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 10 को t माना था तो 10 स्क्वायर एक्स दिया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस क्वेश्चन को अब मैं लिख सकती हूँ डी टी अपॉन नीचे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 को मैंने क्या लिख दिया है, 2 का स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का। ठीक है, इसका हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है हमारा लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इस गिवन क्वेश्चन में अप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा लॉग एक्स की जगह आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ए जो है वो है 2 है, तो ए का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t हमने क्या लिया था, 10x लिया था, तो t की जगह हमने लिख दिया 10x अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो गिवन क्वेश्चन का हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ गया। हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी थी, क्या वो ये थी आपकी, कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।